आए दोस्तों भूल भुलैया 2 रिलीज हो गई है और बहुत ही उम्मीद है इस फिल्म से, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस समय बहुत खतरे में है। बड़ी से बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हो चुकी हैं, रनवे 34 हो या फिर हीरोपंती 2, सभी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुई हैं। तो अब बड़ी उम्मीदें से जताई जा रही हैं कि भूल भुलैया 2 कैसा परफॉर्म करेगी टिकट खिड़की पर। तो दोस्तों अगर फिल्म की बात करें, फिल्म बहुत ही बढ़िया है। पहली भूल भुलैया से आप कंपैरिजन बिल्कुल मत करें, क्योंकि पहली भूल भुलैया कुछ अलग ही लेवल की फिल्म थी। ये फिल्म हॉरर है। कार्तिक आर्यन बहुत ही बढ़िया लगे हैं। बहुत से लोगों को डाउट था कि कार्तिक आर्यन अक्षय कुमार को रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन कार्तिक आर्यन ने बहुत ही उम्दा काम किया है, बहुत ही लाजवाब अभिनय उनका है इस फिल्म में। कियारा आडवाणी अच्छी लगी, लेकिन विद्या बालन वाली अपेक्षा बिल्कुल मत कीजिएगा। पूरी फिल्म का दारोमदार अगर देखा जाए तो कार्तिक आर्यन के साथ साथ तब्बू के कंधों पर है। तब्बू इस फिल्म में डबल रोल में है, मंजुलिका और अंजुलिका के किरदार में। पूरी फिल्म में तब्बू का रोल जान डाल देता है और तब्बू का अभिनय तो काबिले तारीफ है ही। इनके अलावा राजपाल यादव और संजय मिश्रा की कॉमेडी भी बहुत ही लाजवाब है। पूरी फिल्म में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे और फिल्म में ह्यूमर का भरमार है। दोस्तों कुल मिलाकर भूल भुलैया 2 एक बहुत ही परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर है, जिसको आप अपनी फैमिली अपने बच्चों परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर देखिए ये फिल्म। बहुत टाइम के बाद कोई अच्छी हिंदी फिल्म थिएटर में लगी है, इस फिल्म को मिस मत कीजिएगा। और अगर परफेक्ट एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा।